गाइस, आज हम बना रहे हैं दम आलू। दम आलू सबको ही ऑलमोस्ट पसंद होते हैं और सभी के फेवरेट होते हैं। ये देखिए, मैंने ये आलू लिए हैं। इसके लिए हमें छोटे छोटे 15 से 20 आलू चाहिए। ये बना रही 4 से 5 लोगों के लिए, और आप लोग चाहें तो जैसे ज़्यादा कम क्वांटिटी कर सकते हैं इसकी। तो हम इनको लेके छील लेंगे इस तरीके से। इसको छीलने के बाद हम इन सबको इसी तरीके से इकट्ठा कर लेंगे और फिर एक फोक से इसमें हम छेद करेंगे। वो मैं आपको भी ये छील के फिर मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से। देखिए, मैंने ये आलू छील लिए हैं, ये सारे छील के तैयार कर लिए मैंने आलू। अब जैसे ये आलू लेके और हम इसको, ये फोक ले लीजिएगा आप, और फोक से इस तरीके से इसमें होल करने हैं। होल करने से क्या होगा कि ये अंदर तक अच्छे से पक जाएंगे। जब हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे तो अच्छे से तल जाएंगे, और जो फिर हम इसको बनाएंगे तो मसाला जो है अंदर तक अच्छे से बिक जाएगा, तो ये अच्छा फ्लेवर देगा। तो इसी तरीके से आप सारे आलू कर लीजिए। इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, उसके से 10 मिनट करीबन। तो प्लीज़ ध्यान से कीजिएगा ताकि फोक आपको लगे नहीं। देखिए, मेरे ये आलू हो चुके हैं, ये अच्छे से वो कर लिए हैं मैंने इनमें होल। और अब ये कढ़ाई रखेंगे हम गैस चालू करके, और इसमें डालेंगे हम ऑयल। ये अच्छे से जब गर्म हो जाएगा तब हम इसमें आलू डाल के इनको फ्राई करेंगे। और तब तक, जब तक ये गर्म हो रहा है गाइस, तब तक हम मसाले जो हैं इसके लिए इंग्रेडिएंट वो तैयार कर लेते हैं। देखिए, ये मेरे आलू तैयार हो गए हैं। अच्छे तरीके से मैंने इनको होल कर लिए हैं, और मेरा ये ऑयल जैसा कि आप देख रहे हैं ये गर्म हो चुका है, इसमें धुआं आ रहा है। अब इसमें आलू छोड़ देंगे डीप फ्राई होने के लिए। एक बार में आप सारे डाल दीजिए। और अब इनको तलने दीजिएगा अच्छे से। इनको तलने में करीबन 10-15 मिनट लगेंगे। जैसे गोल्डन ब्राउन हो जाए तब हम इनको निकालेंगे। तब तक हम ऐसा करते हैं कि ये हो रहे हैं, हम तब तक इसके ग्रेवी के लिए मसाले तैयार कर लेते हैं पहले। ठीक है, वो देखिएगा, इसलिए मैंने निकाल के रखे हुए हैं, आप ये देखिए। इसके लिए हमें चाहिए पहले ये है काली मिर्ची, 8 से 10 काली मिर्च, छोटी वाली इलायची मैंने कूट के रखी हुई है, ये लहसुन की कलियाँ कम से कम 8-10, और ये अदरक है, ये साबुत लाल मिर्ची, ये दालचीनी, ये जीरा, और ये है तेज़पात, 2 पत्ते तेज़पात के, और इसमें करीबन 2 टीस्पून जीरा चाहिए हमें। और ये है प्याज, ये प्याज मैंने काट के रखी है, रफली चॉप करनी है आपको, क्योंकि इसको हम बाद में पीस के ग्रेवी बनाने वाले हैं। और ये है टमाटर, करीबन 4-5 टमाटर लेने हैं, जिस हिसाब से आप पसंद करें, लाइक करें, उस हिसाब से 1-2 क्वांटिटी घटा या बढ़ा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, देखिए, ये हमने इसमें एक छोटी वाली जो कटोरी है वो ऑयल ले लिया है, और अब इसमें हम मसाले डालेंगे। ये ऑयल अच्छे से गर्म हो गया, धुआं दे रहा है। अब हम इसमें डालेंगे पहले प्याज जो आपने सुबह चॉप की थी, और उसके बाद लहसुन डालेंगे, लहसुन अदरक और ये लाल मिर्ची जो है साबुत ये, और फिर हम इसको चलाएंगे एक बार इस तरीके से अच्छे से, और इसको अच्छे से भुनने देंगे थोड़ी देर, थोड़ा सा ये अच्छे से इसको भुनने देंगे। देखिए ये हमारे आलू अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए। देखिए देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में। अब हम इनको निकाल लेंगे। और ये निकालने के बाद ये देखिएगा कितने अच्छे बने हैं। और इसके बाद हम इसको एक बार और चला देंगे, ये जो प्याज है एक बार इसको चला देंगे प्याज जो है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर, और टमाटर डालने के बाद इसको एक बार और चलाएंगे, और इसमें हल्का सा नमक डालेंगे हम, ताकि ये टमाटर जो हमने डाले हैं ये अच्छे से गल जाए। करीबन थोड़ा सा 1/4 चम्मच बस नमक डालने के बाद मिक्स करेंगे, और इसको हम थोड़ा सा रख देंगे इसी तरीके से, छोड़ देंगे इसको गलने के लिए।
थोड़ा सा किसी चीज़ से ढक देंगे ताकि ये जल्दी गले। देखिए ये हमारे टमाटर जो है ये गल चुके हैं, जितने क्वान्टिटी लगा जिस तरीके का चाहिए उस तरीके से हो चुके हैं। अब हम इनको गैस फ्लेम बंद कर देंगे और उसके बाद हम इसको एक जार में लेके इस तरीके से पीसने के लिए ग्रेवी के लिए तैयार करेंगे। देखिए ये अच्छी तरीके से पिस के तैयार हो गया है, जितना हमें चाहिए था बिल्कुल फाइन एकदम से। एक बार चेक कर लीजिएगा, इसमें कोई गुठला वगैरह ना रहे, नहीं रहे, कोई भी चीज़ साबुत नहीं रहनी चाहिए। हाँ देखिए बिल्कुल फाइन पिस गया है। तो अब हम देखो ये जब तक ये पेस्ट हमारा बन गया उसको एक साइड रख देंगे और हम कढ़ाई में ऑयल लेंगे और उसको गैस को ऑन करके उसको गर्म होने देंगे। अच्छे से जब ये गर्म हो जाए तब हम इसमें मसाले डालेंगे। अभी इसको थोड़ा सा गर्म होने के लिए वेट करेंगे। चेक करेंगे, अभी नहीं गर्म हुआ, अभी थोड़ा कम गर्म है, थोड़ा सा और गर्म हो जाइए, क्योंकि जब तक अच्छे से गर्म नहीं होगा तब तक मसाले वगैरह अच्छे से नहीं हो पाएंगे, इसलिए हम पहले इसको अच्छे से गर्म करेंगे। आई थिंक अब ये गर्म हो चुका है प्रॉपर, जितना मैं चाहिए था हो चुका है। तो हम इसमें डालेंगे पहले ये जो जीरा लिया था मैंने वो डालेंगे और उसके बाद इसमें काली मिर्च डालेंगे और काली मिर्च डालने के बाद हम इसमें ये जो दालचीनी ली थी मैंने वो डालेंगे। उसके बाद मैं ये जो तेज पत्ते हैं ये वो और ये जो इलायची हमने पीस के रखी थी वो डालेंगे। उसके बाद हम इसे अच्छे से भूनेंगे। इसे तब तक भूनना है जब तक कि इसमें अच्छी तरीके से इसमें से खुशबू ना आने लगे। देखिए ये अच्छे से मसाला भुन चुका है और हम इसमें डालेंगे ग्रेवी जो हमने तैयार की थी। गैस को कम कर देंगे थोड़ा सा और इसको अच्छे से भुनने देंगे। तो हम जब तक ये ऑयल ना छोड़े तब तक इसे बिल्कुल सिम गैस पे भुनने देंगे अच्छे से। देखिए ये हमारी जो ग्रेवी है ये ऑयल छोड़ चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे मसाले, जिसमें कि आधी चम्मच टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, एक टीस्पून धनिया पाउडर और आधा टीस्पून करीबन गरम मसाला और थोड़ा सा हल्दी पाउडर और हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा सब्जी मसाला एक चम्मच करीबन। एक चम्मच सब्जी मसाला और टेस्ट आपके ऊपर है, अगर आप ज़्यादा तीखा खाना चाहें तो मसाले कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसको डालने के बाद में इस तरीके से मिक्स करेंगे और इनको करीबन एक दो मिनट तक भुनने देंगे अच्छे से। भुनने के बाद में ये अपना कलर देंगे। देखिए ये भुन चुके हैं, अब हम इसमें डालेंगे पानी।
अब हम इसमें डालेंगे पानी। देखिए करीबन एक से डेढ़ कप पानी हम इसमें डालेंगे, और आप अगर ज़्यादा चाहें तो ज़्यादा डाल सकते हैं, अगर ज़्यादा पतला करना चाहें तो। वैसे मैं अभी थोड़ा और डालूँगी अभी इसको एक साथ इसको चलाने के बाद, क्योंकि ये आलू इसमें अभी बॉयल होंगे तो वो अच्छे से अभी वो भी पानी पियेंगे, और ये काफ़ी गाढ़ी है, हमें थोड़ा पतला चाहिए इसके लिए। देखिएगा अब हमने इसमें पानी डाल दिया है, अब हम इसको थोड़ा सा उबलने देंगे। जैसा बॉयल आ जाएगा तब हम इसमें, अब इसमें बॉयल आ जाएगा तब हम इसमें डालेंगे थोड़े अपने जो हमने आलू किए थे वो। देखिए ये इसमें अच्छे से बॉयल आ चुकी है, अब इसमें डालेंगे हम अपने आलू। आलू डालने के बाद में इसको ऐसा चलाएंगे चलाएंगे और इसमें हमें थोड़ा सा पानी और डालना पड़ेगा, क्योंकि ये मुझे लग रहा है थोड़ा सा गाढ़ा है, तो इसे थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें, क्योंकि अभी ये अच्छे से खटकेगी तो इसमें लिए हमें पानी प्रॉपर चाहिए। और अब हम इसमें डालेंगे नमक, नमक आप टेस्ट के अपने अनुसार डाल सकते हैं कि कितना आप ये पसंद करें, तो इसीलिए नमक डालने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी कसूरी मेथी। हाँ इसमें देखिए ये है कसूरी मेथी, इसको आप इस तरीके से क्रश करके और इसको हम इसमें डालेंगे, इससे इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और इसको अब हम एक बार चलाने के बाद में इसको कुछ टाइम के लिए ढक के रख देंगे ताकि अच्छे से हो जाए, मसाले इसमें बिक जाएंगे और ये अच्छे से पक जाएंगे। गैस स्लो करके और इसको थोड़ा सा ढक के रख लेंगे हम। बस थोड़ा सा, पूरा नहीं, थोड़ा सा ढक के। देखिए गाइस ये मेरी सब्जी बन के तैयार हो गई है दम आलू की, और ये बहुत ही टेस्टी और यमी बनी है। आप अब हम इसमें फाइनली अब क्रीम का यूज़ करेंगे, और ऑप्शनल है अगर आपके पास क्रीम हो तो ठीक, वरना आप इसमें जो मलाई होती है उसको लेके बिल्कुल से अच्छे से स्मूथ करके उसको वो भी डाल सकते हैं, इससे क्रीम का फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। मैंने क्रीम यूज़ की है, तो बस ये तैयार है गाइस। अब इसमें आप रोटी पराठे या नान किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं, और आप प्लीज़ बनाइए और अपनों को खिलाइए, और मुझे बताइए कि ये कैसी बनी है, प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, और पेंट और कमेंट भी करें प्लीज़। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।